हेलो दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ थ्री फेज डुअल स्टार्टर कॉन्टैक्टर इंडिकेटर वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर सिलेक्टर स्विच का कैसे कनेक्शन करता है वो ड्राइंग के माध्यम से दिखाऊंगा। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले देखिए, एगो टीपी लिए हैं, एगो डीपी है, एगो सिलेक्टर स्विच है, एगो एनसी पुश बटन है, एगो एनओ है स्टॉप स्टार्ट के लिए, कि यहाँ पर वोल्ट मीटर है, इसका सिलेक्टर स्विच यहाँ पर है, ये एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर का सिलेक्टर स्विच यहाँ पर है, अभी एगो रेड इंडिकेटर है, एगो ग्रीन इंडिकेटर है, एगो ट्रिप इंडिकेटर है। ये पैनल में सप्लाई आने के बाद ये इंडिकेट करेगा, ऑन होने के बाद ये इंडिकेट करेगा, ट्रिप होने के बाद ये इंडिकेट करेगा। अरे गो एक्चुअली मैं मैग्नेट सॉरी कॉन्ट्रेक्टर लिया हूँ, एगो ओवरलोड रिले है, एगो मोटर है। इस मोटर को चलाने के लिए ये थ्री फेज मोटर है, ये डुअल स्टार्टर है, डुअल स्टार्टर से ये चलेगा, स्टॉप स्टार्ट करेगा। तो इसको देखिए, पहले इधर थ्री फेज सप्लाई आया है टीपीएन में, आर वाई बी टीपीएन होते हुए इधर निकले हैं, इधर से निकल के ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का एल वन एल टू एल थ्री में आर वाई बी। अभी कॉन्ट्रैक्टर काम मतलब पिकअप करेगा तो इधर से इसको आउट करेगा, सप्लाई को, सप्लाई को आउट करने के बाद ये ओवरलोड रिले में जाएगा, रिले से आउट करके ये मोटर में जाएगा। ये हो गया पावर का। अभी कंट्रोल का देखिए, एक और डीपी यूज़ किया है, रेड फेज से हम एक फेज उठाया है, न्यूट्रल से एक न्यूट्रल डीपी में लग कनेक्शन नीचे इन हुआ है, आउट करें। देखिए ये न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल का देखिए कहाँ कहाँ देना पड़ता है, ये न्यूट्रल एगो चला गया है, कॉन्ट्रैक्टर का जो ए टू रिले पॉइंट का, जो ए टू का रिले पॉइंट का जो कनेक्शन है वहाँ दिया है, और इंडिकेटर को एक एक करके लूप करके दिया है, और फेज कंट्रोल फेज को कहाँ कहाँ दिए हैं, ये जो ओवरलोड का जो कॉमन पॉइंट है 95 जो कॉमन पॉइंट है, ये पहले इसको समझा लेते हैं थोड़ा। देखिए 94 95 96 97 98, तो 94 95 में एनओ है, और 95 96 एनसी है, और ये अलग से 97 98 ये अलग से एनओ है। तो 95 में आया है, 95 से आया, 95 में आया है तो एनसी से लेना है मेरे को, तो 96 से देखिए इसको सप्लाई लेके स्टॉप पुश बटन का जो एनसी वाला स्पोर्ट पुश बटन है उसमें इन किया है, और ये आउट किया है एनसी पॉइंट से, जब आउट हुआ है वो स्टार्टर स्टार्ट पॉइंट में किया है जो एनओ है, और एनओ से कट के निकल के जा रहा है ये जो ए वन, जो कॉन्ट्रैक्टर का ए वन रिले पॉइंट है उसी में किया है, ये स्टार्ट स्टॉप का होगा। और अभी ये इतना ही हुआ है कि इसको दाब के रखने से ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करेगा, तब तक ये सप्लाई मिलता रहेगा कॉइल में, तब तक ये चलेगा। इसको होल्ड मतलब इसको रुकाना है तो होल्डिंग कराना है, तो उसके लिए वो होल्डिंग वायर, कहाँ से होल्डिंग वायर देना पड़ता है, कहाँ से देते हैं, एनसी का आउटपुट से और एनओ का इनपुट से जो एक वायर निकला है, देखिए से इससे दे सकते हैं, इससे भी दे सकते हैं, ये इधर से जाके जिस कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कराना है उसी का एनओ पॉइंट से दिया जाता है। जैसे ये एनओ पॉइंट से दिया है, जैसे ये स्टार्ट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करेगा, पिकअप करने के बाद ये जब ये एनओ है ये एनसी हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, अभी ये दोनों एनसी है,
नॉर्मल में, तो पिकअप करने के बाद ये दोनों एनो, माने ये नॉर्मल में ये दोनों एन सी, ये दोनों एनओ है, पिकअप करने के बाद ये दोनों एन सी हो जाएगा और ये दोनों एनओ हो जाएगा। तब तो जब पिकअप कर जाएगा तो ये एन सी हो जाएगा, तो इधर जो करंट आया है मेरा बाईपास करंट, तो इधर मिलना लगेगा। तो मिलना देखिए यहाँ से ए वन को शॉर्ट किया हुआ है, तो इधर से इसको सप्लाई मिलता रहेगा, ये होल्ड में चलते रहेगा, ये हो गया होल्डिंग। और इसका इंडिकेशन कैसे होगा अभी देखिए, ये फेज से मैं एगो फेज उठाया है एनओ और एनसी से दिया हूँ, कॉन्ट्रैक्टर का शॉर्ट किया हूँ लूप करके। अभी एनसी से ये लाल वाला इंडिकेशन है जो एनओ मतलब करंट पैनल में आया है उसको इंडिकेट करेगा जो पैनल में करंट आया है, ठीक है। और इनो वाला जो पिकअप करेगा तब ये एनसी बनेगा, तो ये एनसी होगा जब चलेगा, तब ये एनसी होने के बाद इसको करंट मिलेगा तो ये जलेगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि रनिंग में है और ये इंडिकेट करेगा कि पैनल में सप्लाई आया है। अगर इसको दोनों टाइम जलाना है, ये ऑन पोजीशन रखना है इसको, तो इसको और एक ठो एनओ से इसको शॉर्टिंग करके लाइन को शॉर्ट करना पड़ेगा। तब ये करके दिखाते हैं। हाँ अभी देखिए ये एनओ एनओ एनसी से एक तार और मैं एनओ में लगा दिया है, कॉन्ट्रैक्टर का एनओ में लगा दिया। जब ये पिकअप मोड में आएगा तो इधर से ये करंट मिलेगा, इधर एनसी हो जाएगा, तो इसको फिर इधर से शॉर्ट कर दिया ताकि ये दोनों टाइम चलेगा। एक टाइम कब, जब पैनल ऑन करते ही ये सप्लाई जलेगा और इसको पिकअप करने के बाद भी ये भी जलेगा, ये भी जलेगा। ये इसका इधर से एगो एनओ को कॉन्टैक्ट कर दिया है, तो ये हो गया। अभी हो गया ट्रिपिंग का। ट्रिपिंग का देखिए, ट्रिपिंग कहाँ से होता है, ये जो 90 ओवरलोड रोलो रिले का जो 97-98 है, ये नॉर्म ये ओपन में है, ये जब ट्रिप हो जाता है यहाँ पर एगो ट्रिपिंग पॉइंट रहता है, यहाँ पर एगो ट्रिपिंग पॉइंट रहता है, इसको मैनुअली ट्रिप करके देख सकता है ये जगह में। ये देखिए यहाँ एगो ट्रिपिंग ऐसे एगो नब रहता है, इसको खींच देने से इधर तो ये ट्रिप हो जाएगा, तो उस टाइप ये एन एन 97 को 98 से एनसी हो जाएगा, तो इधर से ये करंट चला जाएगा, चला जाके ये पीला वाला को जलाएगा। तो ये जब ट्रिप हो जाएगा, जब इधर ट्रिप हो जाएगा, ये एनसी हो जाएगा, तो ये सब जो है ये सिस्टम पूरा काम नहीं करेगा जब तक इसको ये लाल वाला बटन दबा के इसको रिसेट नहीं करेगा। ये इसको दबाने से वो पीला वाला बंद हो जाता है, पीला वाला लाइट बंद हो जाता है, जाने के बाद वो समझ जाए कि ये रिसेट हो गया है, तो उस टाइम स्टार्ट स्टॉप ये सब अपने आप में सबको काम कर सकते हैं। तो ये हुआ है, तो ये ड्यूल स्टार्टर का है। अभी इधर से जो देखिए, देखिए इसको एम्पियर जो मीटर दिया था, इसमें देखिए वो सिलेक्टर्स यूज होता है, उसमें सिटी यूज होता है। देखिए ये वो मीटर का हिसाब, मीटर जितना का रहता है रहेगा उसी के हिसाब से इसका सिटी लगता है। तो ये सो देखिए सिटी को कैसे डाला है, ये एक तरफ पी वन लिखा रहता है साइड से और ऊपर में लिखा दिया एस वन एस टू, तो ऐसे सब में है। तो P1 जिधर से करंट आ रहा है, ठीक है, उधर ही P1 को रखना है और S1 से और सब का S1 से लूप करके एक बॉडी अर्थ में देके इसको सिलेक्टर स्विच का जो कॉमन है वहाँ पर डालना पड़ता है। इधर फिर यहाँ से ये A1 से ये कॉन्टैक्ट होके ये चला जाता है एमीटर में, ये मैंने एम्पियर मीटर में। और इधर देखिए ये R से दिया है एक पॉइंट, वाई से दिया एक पॉइंट, ब्लू से दिया एक पॉइंट। ये सिलेक्टर जिधर घुमाना है, आर में घुमाना है तो आर का एम्पियर लोड बताएगा, वाई में घुमाना है तो वाई का एम्पियर लोड बताएगा, और ब्लू में घुमाना है तो ब्लू का लोड एम्पियर बताएगा। ये हो गया एम्पियर का सिस्टम। और ये देखिए इधर एक वोल्ट मीटर दिया है, ये देखिए इसका भी वही सिस्टम है, वी वन वी टू से निकलता है
और ये देखिए ब्लू से एक और दिया है, ये वाला से दिया है और आर से दिया है, ठीक है। ये दो दो फेज का वोल्टेज बताता है, 440 वोल्टेज बताता है, सिंगल सिंगल नहीं बताएगा ये जैसे बताएगा पहले आर वाई का, आर वाई के रेंज में रखिएगा तो आर वाई में जितना वोल्टेज आएगा वो बताएगा, फिर वाई बी का बताएगा, फिर आर बी का बताएगा, जिधर घुमा के उसको बैंड को सिलेक्ट करना है उसी हिसाब से ये 440 का वोल्टेज दिखाता है। तो ये इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अभी थोड़ा